नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सबों का बहुत स्वागत है। और आइए जानते हैं आज के कार्यक्रम में नया क्या है। तो आज हम बात करेंगे आने वाले नवंबर महीने की, नवंबर 2022 की, कि ये महीना हम लोग सभी 12 राशि और 12 लग्न वाले जातक और जातिकाओं के लिए कैसा रहने वाला है। चर्चा शुरू करूं इसके पहले मैं आप सबों से, अपने प्रिय दर्शकों से आग्रह करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर लाइक करें और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। राशियों की चर्चा के क्रम में अब बात करूंगी मिथुन राशि और मिथुन लग्न वाले जातक और जातिकाओं के बारे में कि आने वाला नवंबर 2022 का महीना आप सबों के लिए क्या सौगात और क्या खुशियां लेकर आया है। तो देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में मैं नवंबर 2022 महीने की भविष्यवाणी शुरू करूं, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये महीना बहुत ही फेवरेबल रहने वाला है। और अगर हेल्थ के मुद्दे को हटा दिया जाए तो हर तरह से ये महीना बहुत आपको सर्वांगीण विकास देने वाला माना जा सकता है। लेकिन जहाँ सेहत की बात है वहाँ मैं आपको बहुत सावधानी बरतने की सलाह दूंगी। और देखिए, कहते हैं कि जान है तो जहान है, तो सेहत बहुत बड़ी बात होती है और इसके कॉस्ट पे हमें किसी भी तरह की सफलता उतनी रास नहीं आती। अगर हमारे शरीर में एक छोटी सी भी पेन कहीं हो या कोई तकलीफ कहीं पर भी हो तो फिर हमें जीवन बिल्कुल निसार लगता है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो हेल्थ के मुद्दे पर आप सतर्क रहिए। अगर आप विदेश जाने की मन बना रहे थे तो यहाँ पर आपको इस महीने भारी सफलता मिल सकती है। विदेशी धरती पर आप किसी बिजनेस के काम के सिलसिले में या पर्यटन के लिहाज से भी आप जा सकते हैं। अब मैं बात शुरू करती हूँ आपके जॉब की, आपके बिजनेस की। आपके करियर की बात करूं तो देखिए, हालांकि गुरु बृहस्पति रेट्रोग्रेड हैं, अभी वक्री अवस्था में चलेंगे, और लेकिन फिर भी आप मिथुन राशि वाले जातक और जातिकाओं को वो इतना समय देंगे कि वो अपने पूरे लंबित कार्यों को पूरा कर सके। समय से ध्यान देकर आप बहुत बारीकी से अपने सभी लंबित कार्यों को पूरा करते हुए दिख रहे हैं। इस तरह से आप अपने करियर को मजबूती प्रदान करते हुए दिख रहे हैं। और मैं एक बात बताना चाहूँगी कि आप सीनियर्स आपके बहुत आपको अप्रिशिएट करते हुए दिख रहे हैं, आपके कार्यों की सराहना करते हुए, वाहवाही करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप जॉब को स्विच करने की सोच रहे थे, अपने जॉब को बदलने की सोच रहे थे, तो उसके लिए बहुत ही अनुकूल समय है। इस समय की गई सफलता आपको बहुत आगे ले जाएगी जीवन में, आपको करियर में ये एक नई ऊंचाई देने वाला समय होगा। आपको गुरु बृहस्पति इतनी उत्साह, ऊर्जा और मोटिवेशन देंगे कि आप अपने काम को और बेहतर तरीके से करें, जो हमारे प्रोफेशनल ग्रिड में हम और आगे बढ़ते चले जाएं। बात अगर बिजनेसमैन की करूं तो यहाँ आपको कुछ ऐसे फील्ड के एक्सपर्ट, जानकार, डिग्निटरीज आपको कुछ सहायता ऐसी करेंगे जिससे आपके बिजनेस में चार चांद लग जाए और आपके बिजनेस प्लान में आपके बिजनेस प्लान को एक पंख, नया पंख मिल जाए। तो इस तरह की बहुत अच्छी स्थिति बनने वाली है। विदेशी धरती से आपके बिजनेस में कुछ आय की वृद्धि हो जाए, आपको कुछ बिजनेस के नए ऑर्डर्स मिले, या किसी भी तरह से विदेशी भूमि से आपको मैं फ़ायदा कमाते हुए देख रही हूँ और आपके जॉब में मैं इजाफा होते हुए देख रही हूँ। इस समय को जाया न जाने दें और इस समय को अपने बिजनेस को ग्रो कराने में आप पूरी तरह से यूटिलाइज कीजिए, इसका पूरा आप फायदा उठाइए। आपके आय की बात करूँ, फाइनेंस की बात करूँ, तो यहाँ पर देखिए, राहु आपके 11th हाउस में आय भाव में प्रेजेंट हैं। बहुत सारे अन्य ग्रहों की दृष्टि आपके आय भाव में है। आय निसंदेह नवंबर के महीने में बेतहाशा बढ़ने वाली है। आप एक बहुत कंफर्टेबल स्थिति को देखेंगे, आप बहुत कंफर्टेबली इस महीने को आप लेकर जाएंगे। और महीने के उत्तरार्ध में हो सकता है कि जब तीन ग्रहों की युति, जो पंचम भाव से जब षष्ठम भाव में आएगी, सूर्य बुध और शुक्र की युति जब आपके षष्ठम भाव में आएगी और वहाँ से वो 12वें भाव को देखेंगी,
तो हो सकता है कि खर्चे में कुछ बेतहाशा वृद्धि हो जाए और इस समय के लिए आपको बिल्कुल कमर कस के तैयार रहना चाहिए। फाइनेंशियल आपको कोई चैलेंजेस ना आए इसका आप ध्यान रखिएगा, अपने पर्स के स्ट्रिंग को कस के बांध के रखिएगा, खुले हाथों से खर्च मत कीजिएगा और कोई भी यूजलेस खर्चे होते हैं वहाँ पर आप कटौती ज़रूर कीजिएगा। हेल्थ, जैसा मैंने कहा आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो देखिए आपके फिफ्थ हाउस में, आपके सिक्स्थ हाउस में और नीच का मंगल, ये सब कुछ ऐसी स्थितियां बना रहे हैं जो हेल्थ के लिए किसी भी तरह से अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो किसी भी तरह का आप स्वास्थ्य संबंधी खिलवाड़ मत कीजिएगा कि एक दिन मैं ठंडा खा लेता हूँ कुछ नहीं होगा, एक दिन मैं कुछ मीठा ज़्यादा खा लेता हूँ कुछ नहीं होगा। तो वो एक दिन ऐसा कुछ नहीं होगा, भगवान ना करे कि कुछ भी हो, लेकिन फिर भी आप अपने तरह से पूरी कोशिश कीजिएगा कि आपको कोई भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपकी गलती से ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। और भगवान न करें अगर कभी तबीयत ख़राब भी हो जाए तो आप डॉक्टर की सहायता से, एक्सपर्ट गाइडेंस से आप अपने इलाज को ज़रूर कराइएगा और इलाज में एक दो दिन भी आप, और इलाज को टालिएगा मत। आपके लव लाइफ और मैरिड लाइफ की बात करूं तो देखिए लव में ये महीना थोड़ा सा मुझे संदेहास्पद लग रहा है। आपका प्रेमी या प्रेमिका, आप अपने प्रेम को बचाने के लिए जितने भी प्रयास करें उसके लिए वो कम ही लगेंगे। आपके बातों को मिसअंडरस्टैंड किया जा सकता है, आपके जो आपकी सॉफ्टर फीलिंग्स है उसको नज़रअंदाज किया जा सकता है। आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के इस बदले हुए रवैया को नहीं समझ पाएंगे। थोड़ा सा मैं अप्स एंड डाउन्स आपके लाइफ में देख रही हूँ, लव लाइफ में थोड़े क्लैशेस, थोड़े मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं, पर सबसे खुशी की बात है कि जो अंतिम 15 दिन महीने के रहेंगे 15 नवंबर के बाद से, वो काफ़ी खुशनुमा दिख रहे हैं और बहुत एक आप अपने प्रेम जीवन को कंसोलिडेट करते हुए उसे एक बहुत सुदृढ़ स्थिति प्रदान करते हुए दिख रहे हैं। अपने प्रेम के रिश्ते में आप पूरी ईमानदारी बरतिएगा तभी ये रिश्ता चल सकता है। किसी भी तरह के छलावा में मत रहिएगा, ना आप छल कीजिए ना आप किसी के छल को बर्दाश्त करने जा रहे हैं इस महीने। यहाँ पर अगर मैं आपके मैरिड जातकों की बात करूँ तो मैरिड लाइफ में मैं देख रही हूँ कि एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, क्लैशेस, इनसे ये महीना लवरेज ना होने पाए इसका आप ध्यान रखिएगा। आप दोनों बालिग हैं और समझदार हैं, अपने प्रज्ञा बुद्धि का ध्यान रखिएगा, आप अपने प्रज्ञा बुद्धि से काम लीजिएगा। स्पाउसेस के बीच में टेंशन देख रही हूँ, जीवन साथी से बहस देख रही हूँ, तू मैमे की स्थिति ना बनने पाए इसका आप ध्यान रखिए। आपके अंतरंग क्षणों में कमी देख रही हूँ मैं, लेकिन जब शुक्र और बुध आपके सिस्टम भाव में प्रवेश करेंगे तो भले परिस्थितियाँ कैसी भी रहें आपके हृदय में एक खुशी का वातावरण रहेगा, आप खुशी के क्षण को अनुभव कर पाएंगे आंतरिक तौर पे। तो कुल मिलाकर मैं इस महीने को बहुत ही अच्छा देख रही हूँ। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, आप हो सके तो शुक्रवार के दिन उपवास रखिए और किसी भी फूलों के सुगंध की खुशबू, परफ्यूम को आप लगाइए। इस तरह से आप पूरे महीने को बहुत खुशनुमा बना सकते हैं। चलती हूँ, आज के वीडियो में बस इतना ही, आपसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में भेंट होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।